कहते हैं कि गलत करने वाले को सजा मिलती जरूर है। कुछ ऐसा ही हुआ मुरैना की महापौर शारदा सोलंकी के साथ, जो फर्जी मार्कशीट केस में बचने के लिए भाजपा में शामिल हो गईं, लेकिन बच न सकीं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस के टिकट पर मुरैना की महापौर बनी शारदा सोलंकी भाजपा की महापौर उम्मीदवार रही मीना जाटव ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र और मार्कशीट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की महापौर सोलंकी भाजपा में शामिल हो गईं। लेकिन इस दल बदल के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि फर्जी मार्कशीट रखने के आरोप में कोर्ट ने उन पर केस दर्ज करने के निर्देश दे डाले। गौरतलब है कि कांग्रेस से महापौर का चुनाव जीती शारदा सोलंकी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो भाजपा की ही शिकायत पर अब की भाजपा मेयर बुरी फंसी हैं। बताया जा रहा है कि जिस रोल नंबर की मार्कशीट उन्होंने दिखाई वो किसी ऐसे लड़के की है जो परीक्षा में बैठा ही नहीं। वहीं जब स्कूल से भी रिकॉर्ड मांगा गया तो पता चला कि शारदा सोलंकी का इस स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ जिस स्कूल की वो मार्कशीट दिखा रही हैं। मामला इस प्रकार है कि जो शारदा सोलंकी के द्वारा एक फर्जी कूटरचित बनावटी अंक सूची जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष 1986 में जारी करना बताया गया है, उस मार्कशीट को इन्होंने मेयर पद के लिए जो फॉर्म भरा गया था उसके साथ शपथ पत्र में यह उल्लेख किया है कि मेरी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 पास है, और उसको उन्होंने मेयर का फॉर्म भरते समय ये उसका दुरुपयोग किया है, और इसके मेरे पक्षकार द्वारा इस संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तो यह पता चला कि यह पनाट में ये जिस संस्था से ये मार्कशीट जारी की गई है ये वो है वहाँ से जारी नहीं हुई है, और जिस रोल नंबर पे ये इन्होंने अपना बताया है कि मैंने इस रोल नंबर से परीक्षा उत्तीर्ण की है, उस पे जो मूल रिकॉर्ड है उसमें नरोत्तम नाम का एक व्यक्ति है उसके द्वारा परीक्षा फॉर्म भरा गया था और उसने परीक्षा नहीं दी, तो इस प्रकार ये प्रायभेसी ये फर्जी मार्कशीट हुई। इसके खिलाफ़ हमने सिटी कोतवाली मुरैना में आवेदन दिया भी गए, वहाँ जानकारी रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, परीक्षा परिणाम भी लिया गया, और उसमें यह पाया गया इस महिला यानी शारदा सोलंकी द्वारा कोई परीक्षा नहीं दी गई है। तो इस आधार पर मैंने न्यायालय मुरैना जीएमएफसी मुरैना के समक्ष प्रभात एक धारा 156(3) CRPC के तहत आवेदन पेश किया, और उसकी जुडिक्शन ना होने की वजह से ये श्रीमान जीएमएफसी देशना जैन जी के न्यायालय के समक्ष 156(3) की कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान इन्होंने यह पाया कि प्रायभेसी इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित है, इसलिए इनके खिलाफ FIR लॉज करने का सिविल लाइन मुरैना को थाना प्रभारी सिविल लाइन मुरैना को आदेश दिया है। हैं सजा का क्या प्रावधान है? हाँ, सजा का प्रावधान में एक धारा 468 CRPC IPC में यह आजीवन कारावास के सजा का प्रावधान है जी। नहीं हाँ, प्रायभेसी प्रथम दृष्टया हैरानी की बात है कि शारदा सोलंकी पर आरोप और शिकायत तत्कालीन भाजपा उम्मीदवार मीना जाटव ने लगाए थे। आरोप लगने के बाद शारदा कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गईं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें राहत न मिल सकी। मुरैना की वर्तमान भाजपा महापौर शारदा को भाजपा की ही शिकायत ले डूबी। पंजाब केसरी के लिए मुरैना से रोहित शर्मा की रिपोर्ट।